आज हम यूज इफ नॉट रिमूव अनलेस यह टॉपिक इस टॉपिक के बारे में हम जानकारी लेंगे। पहले हमें इफ नॉट और अनलेस का अर्थ समझना चाहिए। तो इफ का मतलब होता है अगर, तो इफ नॉट का मतलब होता है अगर नहीं तो, और अनलेस का मतलब होता है अगर नहीं तो। पहले हम हमारी जिंदगी में इफ का इस्तेमाल कई मरतबा करते हैं, कई बार हम इफ का इस्तेमाल करते हैं। इफ का इस्तेमाल करने का पहले हमें तरीका सीखना चाहिए, फिर हम उस वाक्य में इफ नॉट किस तरह इस्तेमाल किया जाता है और अनलेस को किस तरह रिमूव किया जाता है ये हम सीखेंगे। यह एक कंजक्शन है जो दो छोटे वाक्यों को एक साथ जोड़ने का काम करता है। इफ का पहला वाक्य कंडीशन यानी कि शर्त होता है, तो दूसरा वाक्य रिजल्ट नतीजा होता है। पहले वाक्य में अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा तो दूसरे वाक्य में सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हम एक उदाहरण देखेंगे, इफ यू वर्क वेल यू विल गेट गुड मनी, अगर तुमने अच्छा काम किया तो तुम्हें अच्छे पैसे मिलेंगे। इस वाक्य में पहला वाक्य जो है वो है कंडीशन शर्त, तो दूसरा वाक्य रिजल्ट नतीजा है। हम अलग उदाहरण देखेंगे, इफ सचिन प्लेज वेरी वेल ही विल विन द मैच, अगर सचिन अच्छा खेलेगा तो वो मैच जीतेगा। इफ यू हैव बुक यू विल रीड अ लेसन, इफ शी वेक्स अप अर्ली मॉर्निंग शी विल डू एक्सरसाइज, इफ यू आर फ्री यू विल कम विथ मी। इस तरह हम इफ के अलग अलग वाक्य बना सकते हैं। तो कुछ वाक्य अलग तरीके के होते हैं जिसे हम अलग तरीके से अलग फॉर्मूले से बनाएंगे। जैसे कि इफ का पहला वाक्य सिंपल पास्ट टेंस होगा तो दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट वुड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या रूट वर्ब इस्तेमाल करना चाहिए। अगर इफ के पहले वाक्य में पास्ट परफेक्ट टेंस होगा तो दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट वुड हैव थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट पार्टिसिपल और फुल स्टॉप देकर वाक्य पूरा किया जाता है। अब हम यूज इफ नॉट सीखेंगे। इफ नॉट का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है उसके लिए हम एक फॉर्मूला देखेंगे। रिमूव अनलेस यूज इफ, अनलेस को निकालकर उस जगह इफ लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लेना चाहिए और दो वाक्यों के बीच में कॉमा देकर दूसरा वाक्य जैसा है वैसा लिखना चाहिए। इस फॉर्मूले की मदद से हम अलग उदाहरण देखेंगे। Unless the weather is good, my family will not go to picnic. Unless के जगह हम if इस्तेमाल करेंगे और helping verb is है, उसके बाद हम not लेंगे। If the weather is not good, my family will not go to picnic. इस तरह हम unless के वाक्य में if not इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अलग उदाहरण देखेंगे और unless you have good knowledge, you will not do anything well. इसका जवाब, if you have not good knowledge, you will not do anything well. Have a helping verb है, इसलिए हमने have के बाद not इस्तेमाल किया है। Unless Ramesh has a good mobile, he will not call us. इस वाक्य में unless के जगह if Ramesh has helping verb है, उसके बाद not a mobile, comma He will not call us. Second sentence जैसा है वैसा। इस तरह हम unless के वाक्य में if not इस्तेमाल कर सकते हैं। Unless के पहले वाक्य में अगर helping verb नहीं होगा तो उस वाक्य में if not किस तरह इस्तेमाल किया जाता है ये इस formula के जरिए हम सीखेंगे। Remove unless और उसके जगह यूज इफ इस्तेमाल करिए, यानी कि अनलेस को हटाएंगे उसके जगह हम इफ लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट डू डज डिड तीन हेल्पिंग वर्ब में का एक हेल्पिंग वर्ब लेंगे, उसके बाद नॉट वर्ब की पहली हालत, पहला वाक्य पूरा, कॉमा, सेकंड सेंटेंस जैसा है वैसा। इस फॉर्मूले की मदद से हम जवाब लिखेंगे। डू डज डिड तीन हेल्पिंग वर्ब में से एक हेल्पिंग वर्ब लेंगे, वो कैसा लेंगे तो उसके लिए हम एक चार्ट देखेंगे। वर्ब की अगर पहली हालत होगी तो डू लेंगे, वर्ब का अगर यस या यस जोड़ा जाए तो डज लेंगे, वर्ब की दूसरी हालत होगी तो डिड लेंगे। इन तीन हालत में से हम डू डज डिड को इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद हम नॉट लेंगे। इसके लिए हम एक उदाहरण देखेंगे। अनलेस यू स्टडी हार्ड यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स, अनलेस के इस पहले कंडीशन के वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं है
इसलिए हम ऊपर दिया गया वो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अनलेस की जगह इफ यू डू नॉट स्टडी हार्ड यू विल नॉट गुड मार्क्स। यहाँ हमने अनलेस की जगह इफ इस्तेमाल किया है और सब्जेक्ट यू के बाद डू नॉट इस्तेमाल करके वर्ब की पहली हालत ली है। हम और एक उदाहरण देखेंगे। अनलेस सुप्रिया हरीज शी विल मिस द बस। हम यहाँ अनलेस की जगह हम इफ इस्तेमाल करेंगे। हरीज ये वर्ब है, इसे हमने ईएस जोड़ा है, इसलिए हम यहाँ डज इस्तेमाल करेंगे। इफ सुप्रिया डज नॉट हरी शी विल मिस द बस। उसके बाद अनलेस विराट विज द मैच ही विल नॉट गेट द प्राइज। इस वाक्य में भी अनलेस को हटाकर उस जगह हम इफ लेंगे। विज यहाँ हम वर्ब को यस लगाए सो है, इसलिए हम यहाँ डज नॉट इस्तेमाल करेंगे। इफ विराट डज नॉट विन द मैच कॉमा ही विल नॉट गेट द प्राइज। अब हम कुछ अलग उदाहरण देखेंगे। यू विल नॉट लीव दिस प्लेस अनलेस यू पे द बिल। इस उदाहरण में अनलेस यह वाक्य के बीचों बीच आया है, तो इसका जवाब लिखते समय यू विल नॉट लीव दिस प्लेस इफ यू डू नॉट पे द बिल। अनलेस की जगह हम इफ इस्तेमाल करेंगे और नॉट यह हेल्पिंग वर्ब के बाद या हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तो डू नॉट डज नॉट डिड नॉट, तीन हेल्पिंग वर्बों में से एक हेल्पिंग वर्ब लेंगे। और एक अलग उदाहरण देखेंगे। अनलेस यू रीड अ पोएम यू विल नॉट अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग। इस वाक्य में अनलेस वाक्य की शुरुआत को ही आया है, तो इसका जवाब इफ यू डू नॉट रीड अ पोएम यू विल नॉट अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग। शी विल नॉट गेट अ जॉब हियर अनलेस शी स्पीक्स इन इंग्लिश फ्लुएंटली। शी विल नॉट गेट अ जॉब हियर इफ She does not speak in English fluently. इस तरह हम unless वाक्य के शुरुआत को हो या वाक्य के बीच में हो, हम जहां जहां unless होगा उसी जगह if लेंगे, लिखेंगे if लेंगे और helping verb के बाद not लेंगे। अगर helping verb नहीं होगा तो हम do not, does not, did not लेकर verb की पहली हालत लेंगे और हम unless के वाक्य में इफ नॉट इस तरह इस्तेमाल करेंगे। आगे कुछ अलग अलग उदाहरण दिए हैं, इस उदाहरणों का हम पढ़ाई कर हम उसके जवाब लिख सकते हैं, तो आप इस स्लाइड की स्क्रीनशॉट लेकर इसके जवाब लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।